नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है जिसमें ये समस्या आ रही है, जो ग्रीन आइकन टाइप का जो आइकन होते हैं उसके ऊपर कोई भी हम फंक्शन टच करते हैं तो ग्रीन कलर का अराउंड टाइप का आपको चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तो आपको इसको हम आज दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको इसको रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स से इसमें कोई परेशानी, ये मोबाइल की सीक्रेट सेटिंग होती है, इसको हम टॉक बाय सेटिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी हम आइकन खोलते हैं तो मैं बार बार टच करना पड़ता, लेकिन फिर भी हमारा आइकन खुलता नहीं है। अगर हम इसको डबल फिंगर से चलाएंगे तो हमारा मोबाइल चलता है, लेकिन अच्छी तरीके से ये नहीं मोबाइल चलता है। तो आपको दिखाएंगे कि आपके सामने कभी भी ये मोबाइल में इंटरफेस आपको ये देखें तो आपको किस प्रकार से इसको रिमूव करना है। फ्रेंड से ये सेटिंग से भी सेटिंग में जाकर भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड से सेटिंग में आसानी पूर्वक से आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये डबल फिंगर से इसको चलाना पड़ेगा तब ये वर्क करेगा, और डबल टैप पर ये वर्क करता है। तो इसमें जो की दी गई है उससे आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको हटाना है। कोई भी हमारा फंक्शन वर्क नहीं करता है, सेटिंग लग जाती है। तो इसलिए अगर तो वॉल्यूम और पावर की साथ अगर हम दबा देते हैं तो ये सेटिंग हमारी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको जो वॉल्यूम प्लस और माइनस को एक साथ 3 सेकंड तक प्रेस करना है। तो ये सेटिंग देखिए फ्रेंड्स रिमूव हो चुकी है। तो आपको इसको हम सेटिंग में जाकर भी आपको दिखाएंगे किस जगह से आपको सेटिंग में मिलेगी जाकर सेटिंग। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करके इसके बाद स्मार्ट सेटिंग में आपको जाके विजिबिलिटी को ऑन करना है। में आपको एक टॉक बैक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको ओपन करना है। यूज सर्विस को हमेशा आप ऑफ करके रखना है। अगर ये यूज सर्विस ऑन होती है तो हमारी टॉक बैक सेटिंग ऑन हो जाएगी। फिर आपको डबल टैप पे आपको चलाएंगे, डबल टैप पे तभी आपका मोबाइल ये चलेगा। तो आपको इसको ऑफ करके ही रखना है। सेटिंग से जाएंगे तो आपको ऑफ करके स्टॉप करना है, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।